नमोस्तु 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 रणवलोये श्रोत्रिकाड़वर्ती अर्हंताणम रणवलोये श्रोत्रिकाड़वर्ती सिद्धाणम रणवलोये श्रोत्रिकाड़वर्ती आयरियाणम रणवलोये श्रोत्रिकाड़वर्ती वज्जायाणम रणवलोये श्रोत्रिकाड़वर्ती शवश्रावणम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं। सर्व मंगल मांगल्यं सर्व कल्याण कारकं प्रधानं सर्व धर्माणं जैनं जयतु शासनं। नवा समय साराय स्वानुभूतिया चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे एगो में शाशदो अप्पा ज्ञान दर्शन लखनो शेषा में बाहिरा भावा सवे संयोग लखना। मारो सुशाश्वत एक दर्शन ज्ञान लक्षण जीव छे बाकी बधा संयोग लक्षण भाव मुझथी बाह्य छे। हूँ एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान दर्शन मई करे कई अन्य मारु जरी परमाणु मात्र नथी अरे। जे जाण तो रहंत ने गुण द्रव्य ने परियई पणे ते जीव जाणे आत्म ने तसुमो पामे लय खरे। नथी अप्रमत के प्रमत नथी जे एक ज्ञायक भाव छे ए रीत शुद्ध कथाय ने जे ज्ञात ते तो तेज छे। जेम नेत्र तेमज ज्ञान नथी कारक नथी वेद करे जाणे ज कर्मो उदय निर्जरा बंध तेमज मोक्ष ने। ध्रुव अचल ने अनुपम गति पामेल सर्वे सिद्ध ने बंदी कहूँ श्रुत केवड़ी कथित आ समय प्राभूत हो। स्थापनी जने मोक्ष पंथे ध्या अनुभव तेह ने तेमाज नित्य विहार कर नहीं विहर पर द्रव्यो विषय। ओम श्री नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दस लक्षण पर्व का आज दसवां यानी उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन है। उत्तम ब्रह्मचर्य का नाम ही अपना ब्रह्म स्वरूप त्रिकाल स्वरूप नायक स्वरूप उसमें ही चरना उसमें ही रमना उसको ही श्रद्धा ज्ञान और लीनता में आचरण में लेना उसका नाम ही सचमुच ब्रह्मचर्य कहा जाता है। अपने जो मुनिराज होते हैं भावलिंगी संत वो निरंतर ब्रह्म में चर्या करते रहते हैं। उसका ब्रह्मचर्य कभी खंडित ही नहीं होता। ऐसे जो अपने समर्थ मुनिराज है जैसे त्रिकाली द्रव्य ब्रह्मचर्य के समान है क्योंकि वो किसी को स्पर्श ही नहीं करता पर्याय को भी स्पर्श नहीं करता। ऐसे ही ये ब्रह्मचर्य नाम का धर्म है वो भी पर द्रव्य और पर भाव को स्पर्श नहीं करता उसको सचमुच उत्तम ब्रह्मचर्य बोला जाता है। तो ये उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन इसको समन्सरी का दिन भी बोला जाता है उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन बोला जाता है अनंत चतुर्दशी का दिन बोला जाता है जो भी अपन बोले आराधना के पर्व का दिन है मूल में तो। और आराधना एक शुद्धात्मा के अलावा किसी की नहीं होती है उसको ही आराधना बोली जाती है। ऐसे ये महापर्व का ये आज दसवां लक्षण वाला आखिरी दिन है। पूज्य गुरुदेव श्री ने इसमें जो दस लक्षण धर्म की व्याख्या की है वो थोड़ी मैं पढ़ता हूँ। आज दस लक्षण धर्म का आखिरी दिन है उसमें उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म का दिन है। ब्रह्म माने आत्मा का स्वभाव उसमें चरना परिणमना लीन होना वो ब्रह्मचर्य है। विकार और पर का संग रहित आत्म स्वभाव कैसा है उसको जाने बिना उत्तम ब्रह्मचर्य होता नहीं है। स्वभाव को जाने बिना उत्तम माने सम्यक दर्शन पूर्वक ब्रह्मचर्य माने ब्रह्म में चरना वो सम्यक दर्शन पूर्वक का ब्रह्मचर्य धर्म आराधना का माने कि जो लक्षण वो सचमुच में
उत्तम ब्रह्मचर्य के अलावा हो नहीं सकता है। लौकिक ब्रह्मचर्य तो शुभ राग है, धर्म नहीं है, और उत्तम ब्रह्मचर्य वो धर्म है, राग नहीं। शुद्ध आत्म स्वभाव की रुचि के बिना विषयों की रुचि कभी छूटती नहीं। क्या कहते हैं, आत्म स्वभाव की जब तक रुचि नहीं लगती तब विषय माने पांच इंद्री का विषय, मन संबंधी विकल्प, ये कभी छूटते नहीं हैं। जब रुचि लग जाती है अपने स्वभाव की, अपने नायक परमात्मा की, अपनी चैतन्य परमात्मा की, तब वो विषयों की रुचि भी उसको छूट जाती है। मेरे स्वभाव में से ही मेरी सुख दशा प्रकट होने वाली है, इसलिए मेरी दशा प्रकट करने के लिए मुझे किसी की अपेक्षा पर की नहीं है। ऐसे पर से भिन्न स्वभाव की दृष्टि हुए बिना विषयों की रुचि न छूटे, बाहर में विषय छोड़ दे, बाहर में तो बहुत से विषय छोड़ दे, द्रव्यलिंगी मुनि हो जाए, नग्न दिगंबर हो जाए, जंगल में चला जाए, कुटुंब परिवार छोड़ दे, बाहर से ब्रह्मचर्य लेवे, वो शरीर से ब्रह्मचर्य ले लेवे, मगर अंदर ब्रह्म में चरे नहीं, अंदर त्रिकाली द्रव्य में लीन न होवे, सम्यक दर्शन पूर्वक की वितरागता प्रकट न करे, तो उसको शुभ भाव कहा जाता है, वो ब्रह्मचर्य नहीं है। ऐसे कहते हैं कि उसको किसी की पर की अपेक्षा नहीं है, और पर से भिन्न स्वभाव की दृष्टि हुए बिना विषयों की रुचि छूटती नहीं है। बाहर में विषय छोड़ दे मगर अंतर में से विषय की रुचि न छोड़े तो वो ब्रह्मचर्य नहीं है। स्त्री घरबार छोड़कर त्यागी हो जाए, अशुभ भाव छोड़कर शुभ करे, अशुभ भाव छोड़कर शुभ की प्रवृत्ति में लग जाए, निरंतर शुभ भाव की प्रवृत्ति में लगे रहे, मगर वो शुभ भाव में जिसकी रुचि और धर्म बुद्धि है उसको खरेखर विषयों की रुचि कभी छूटती नहीं, और शुभ के अशुभ विकार परिणाम में एकता बुद्धि है, वही सचमुच में अब्रह्म परिणति है। अब्रह्म परिणति तब तक ब्रह्म परिणति प्रकट नहीं होती, इसलिए विकार रहित शुद्धात्मा में परिणाम की एकता वही ब्रह्म परिणति है, वही सचमुच में परमार्थ ब्रह्मचर्य धर्म बोला जाता है। ऐसी ये ब्रह्मचर्य दिन की व्याख्या पूज्य गुरुदेव श्री ने अपने को बताई। वैसे ये धर्म के 10 दिन हैं, वो 10 लक्षण हैं, वो एक साथ में चलते रहते हैं। एक दिन एक लक्षण, दूसरे दिन दूसरा लक्षण, ऐसा नहीं होता है, वो एक साथ में माने कि क्षमा मार्दव आर्जव सोच सत्य संयम तप त्याग अकिंचन और ब्रह्मचर्य, वो धर्म का लक्षण है। धर्म तो स्वभाव में अंदर टिकना माने कि लीनता करना, चारित्र वो सच्चा धर्म है। दंशन मूलो धमो माने कि धर्म का मूल सम्यक दर्शन है, मगर चारित्र खल्लु धमो, खरेखर धर्म तो चारित्र में है। धर्म का मूल सम्यक दर्शन है, उसका मतलब कि सम्यक दर्शन से धर्म की शुरुआत होती है और आगे बढ़ते बढ़ते हुए उसको चारित्र दशा आ जाती है, उसी को सचमुच में ये धर्म के 10 लक्षण बोले जाते हैं। उत्कृष्ट रूप से मुनिराज को ही ये होते हैं। ऐसी ये ब्रह्मचर्य धर्म की चर्चा है। अभी जो अपनी चर्चा चल रही है ये कुंकुंद आचार्य देव द्वारा रचा हुआ समयसार जी परमागम शास्त्र है, उसमें अपनी चर्चा ये 320 गाथा के ऊपर चल रही है। 320 गाथा बहुत महत्वपूर्ण गाथा है, बहुत सुंदर गाथा है, बहुत शाश्वतता से भरी हुई गाथा है, क्योंकि उसमें शाश्वत स्वभाव बता रहे हैं, उसमें अनादि अनंत स्वभाव बता रहे हैं, उसमें चैतन्य सत्ता बता रहे हैं। तो ये एक ऐसा प्रकरण जो 320 गाथा का है, जो कुंकुंद आचार्य देव ने जो ये गाथा लिख दी वो अप्रतिबुद्ध को प्रतिबुद्ध होने के लिए लिखी। तो ऐसी गाथा में इतने विषय आए हैं, इतने विषय आए हैं कि एक एक विषय की अपन चर्चा 9 दिन से कर रहे हैं, आज 10वां दिन है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण गाथा है, उसमें अपनी चर्चा अभी आगे बढ़ाएंगे अपन। ये 320 गाथा की जैसेन आचार्य देव की तात्पर्य वृत्ति टीका है, वो हरि गीत अपन पढ़ते हैं। ज्यो नेत्र त्यों ही ज्ञान नहीं का
रक नहीं वेद कयहो जाने ही कर्म दयनी रजरा बंध त्यों ही मोक्ष को। गाथा के मूल में लिखा है कि इस अकर्तृत्व भोक्तृत्व भाव को विशेष रूप से दृढ़ करते हैं। अकर्ता और अभोक्ता स्वभाव ये गाथा में मूल रूप से बताना है कि आत्मा का स्वभाव कैसे अकर्ता है। अकर्ता माने कि कुछ वो करता नहीं है, ऐसा नहीं कि आत्मा कुछ करता नहीं है, करता नहीं, कुछ कर सकने की शक्ति नहीं उसमें, ऐसा अकर्ता स्वभाव है। और एक अभोक्ता स्वभाव है कि वो किसी का भोक्ता नहीं बनता, किसी का वेदन नहीं करता, ऐसा आत्मा का अकर्ता और अभोक्ता अकारक अवेदक स्वभाव वाला ये त्रिकाणी ध्रुव परमात्मा जो सर्वविशुद्ध पारिणामिक कहा, शुद्ध ज्ञान कहा, फिर शुद्ध ज्ञान से परिणत जीव हुआ, वो साधक जीव हुआ, वो साधक जीव की चर्चा अपनी चल रही है, मगर जो शुद्ध ज्ञान है सर्वविशुद्ध पारिणामिक परम भाव वाला शुद्ध उपादान भूत जो उसका लक्षण है त्रिकाली द्रव्य का, ऐसा जो एक अभेद त्रिकाली द्रव्य, शाश्वत द्रव्य, नित्य ध्रुव द्रव्य, ऐसा परम पारिणामिक भाव लक्षण वाला ज्ञायक भाव है, वो यहाँ आचार्य भगवान को मूल में बताना है। इसलिए यहाँ शुद्ध ज्ञान त्रिकाली द्रव्य बताया, और जो जीव शुद्ध ज्ञान परिणत हो गया, पर का लक्ष्य छोड़कर रागादि भाव में से अपना अहम तोड़कर, और अपना अहम जिसने अपना ज्ञान स्वाभाविक नायक भगवान आत्मा में अहम कर लिया, वो जीव को शुद्ध ज्ञान की परिणति प्रकट हो गई, माने कि शुद्ध ज्ञान परिणत हो गया। ये पहले जो दो पैरेग्राफ जो आ गए हैं, पहले के दो पैरेग्राफ, वो मूल में 320 गाथा का प्रकरण है, उसमें भी शुद्ध ज्ञान परिणत जीव और केवली भगवान की चर्चा ली है। बाद में उसमें जानता है तो किसको जानता है, कैसे जानता है, बाद में वहाँ सर्वविशुद्ध पारिणामिक परम भाव लक्षण शुद्ध उपादान भूत, ऐसे माने कि वैसा ग्राहक बनकर शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं से वो अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व रूप रहता है, माने कि उसको जानता रहता है कि मेरा स्वभाव अकर्ता और अभोक्ता है, ऐसी चर्चा जो वहाँ आई है वो पूरी गाथा वहाँ उसने बाद में नीचे पूरी कर दी है। बाद में विशेष रूप से जो भाव कहा है वो पांच भाव का प्रकरण है, इसलिए पांच भाव का प्रकरण में विशेष रूप से जो भाव कहा गया उसमें भी पहले में पहले पांच भाव की चर्चा करके चार भावों से मैं पृथक हूँ, ऐसा पहले दृष्टि का विषय बताते हैं। जैसे यहाँ मूल गाथा में ऊपर बताया कि बंदमोक्ष का कर्ता नहीं है, बंदमोक्ष की क्रिया नहीं है उसमें, इसलिए बंदमोक्ष का कर्ता नहीं है, क्योंकि क्रिया निष्क्रिय तत्व में नहीं होती, जो क्रिया होती है वो सक्रिय होती है, पर्याय में होती है, और निष्क्रिय तत्व है वो सचमुच में क्रिया बिना का होता है। तो वो जो निष्क्रिय तत्व बताया वो मूल गाथा में भी जो शुद्ध ज्ञान कहा, वो ज्ञान शुद्ध ज्ञान परिणत जीव, वो अभेद से शुद्ध ज्ञान परिणत जीव, वो ध्येय को लक्ष्य में लेके साधक बन गया। अभी जब तक साधक रहता है, साधक के काल में बाधक तत्व साथ में रहता है, वो बाधक तत्व उसे कोई नुकसान नहीं कर सकता साधक को, मगर जब तक साधक है, जब तक साध्य दशा मोक्ष नहीं आई है, तब तक साधक के साथ में बाधक तत्व रहता है। त्रिकाली द्रव्य पूर्ण है, अपने स्वभाव से पूर्ण है, ध्रुव है, दृष्टि का विषय है, साध्य भी पूर्ण है, मोक्ष दशा है, निर्वाण दशा है। ये त्रिकाली द्रव्य और साध्य के बीच में जब कोई भी जीव चतुर्थ गुणस्थान से ज्ञानी हो जाता है, मिथ्यात्व का अभाव करके सम्यक दृष्टि हो गया, अवृत्ति सम्यक दृष्टि हो गया, चतुर्थ गुणस्थान जिसको आ गया, उसको चतुर्थ गुणस्थान से साधक बोला जाता है। वो साधकपना 12वें गुणस्थान तक रहता है, बाद में 13वें गुणस्थान में आता है तो माने कि भाव मोक्ष हो गया, तो भाव मोक्ष को साध्य दशा कही जाती है। द्रव्य मोक्ष तो निर्वाण होता है, तब होता है, सिद्ध दशा आती है तब होता है, तब गुणस्थानातीत होता है। मगर जब ये साधक में से बाधकपना छोड़ के मोक्ष दशा प्रकट होगी, वो साध्य कब प्रकट हुआ कि साधक का निरंतर लक्ष्य उसका अहम न छूटे त्रिकाली द्रव्य ध्येय में से, और निरंतर ज्ञान की परिणति बनी रहे, और चारित्र की लीनता की उसमें शुद्धि की वृद्धि बढ़ती ही जाए, तो उसको यहाँ सचमुच में ये साधक में से
साध्य दशा प्रकट हो गई ध्येय का परिपूर्ण आश्रय करके, ऐसा यहाँ ये पूरा विषय बताना है। तो अभी जो चर्चा अपनी चल रही है कथनचित भिन्न और कथनचित अभिन्न की, यहाँ आचार्य भगवान ने कथनचित भिन्न लिखा है, पूज्य गुरुदेव श्री ने ध्येयपूर्वक ज्ञेय में जो 320 कथा का प्रवचन है उसमें कथनचित भिन्न के सामने कथनचित अभिन्न से भी स्पष्टीकरण वहाँ पे किया है। 320 गाथा गुरुदेव ने जितनी बार ली है उसमें कोई बार कथनचित भिन्न से ज़्यादा विस्तार आया हो, कोई बार कथनचित भिन्न अभिन्न से विस्तार आया हो, तो ये गौण बात है। कथनचित भिन्न जहाँ होता है वहाँ कथनचित भिन्न वो उसके साथ साथ में ही रहता है। तो ये चर्चा जो पूरी यहाँ 320 गाथा की है, पूरा माने कि जैसे आचार्य को मोक्ष तक की चर्चा बतानी है, क्योंकि जो एक बार शुद्ध ज्ञान परिणत जीव हो गया और जो सम्यक श्रद्धान ज्ञान और अनुचरण रूप वो लीनता करके वो परिणमित हो गया, वो जीव की मोक्ष का काल माने कि असंख्य समय रहता है, उसको अनंत समय नहीं लगते हैं। एक बार सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई बाद में असंख्य समय में मोक्ष हो जाता है। तो उसकी चर्चा अपन कल्पन कर रहे थे, पांच भाव की चर्चा अपनी हो गई थी, औदयिक आदि माने कि औपसमिक आदि पांच भाव, उसमें औपसमिक सायोपसमिक और क्षायिक वो तो सम्यक पर्याय हैं, औदयिक भाव और रागादि भाव है, और परम पारिणामिक भाव जिसका लक्षण है वो त्रिकाली द्रव्य है, और वो पारिणामिक भाव में एक परम पारिणामिक भाव है, एक अशुद्ध जीवत्व भी है, एक भव्यत्व भी है, एक अभव्यत्व भी है, वो सब पर्यायाश्रित होने से 10 प्राण भव्यत्व और अभव्यत्व वो अशुद्ध पारिणामिक में जाता है, और चार प्रकार के भाव है वो पर्याय भाव में चला जाता है, और एक ही भाव जो शुद्ध जीवत्व है वो दृष्टि का विषय है। वो चर्चा अपनी बहुत हो गई थी, ये चर्चा बार 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 दोहराने का अर्थ ये है कि ये विषय जो पूरा आता है ना उसके बाद में उसके बाद में उसके बाद में, तो ऊपर से उसको पता चले कि सचमुच में ये विषय क्या है और मैं क्या समझ रहा हूँ, मुझे कहाँ तक पहुँचना है, मुझे कहाँ अहम करना है, मुझे कौन सी पर्याय से विरक्त होके अपने द्रव्य में रक्त होना है। ये चर्चा के लिए ये पूरी चर्चा आचार्य भगवान ने भी ये दूसरी बार चर्चा रखी, एक बार गाथा खत्म हो गई बाद में, अब विशेष रूप से कुछ कर कहते हैं ऐसा करके पूरा दूसरी बार ये चर्चा उठाई। तो ये पाँच भाव की चर्चा में चार भाव पर्याय रूप जीवत्व भव्यत्व अभव्यत्व पारिणामिक की चर्चा आई, उसमें शुद्ध जीवत्व बताया, और 10 प्राण रूप अशुद्ध जीवत्व और जीवत्व भव्यत्व को भी अशुद्ध पारिणामिक भाव में डाल दिया। तो ये चर्चा तो अपनी हो गई थी। अभी यहाँ एक बहुत अच्छी बात अभी चल रही थी अपनी सवेरे भी, और ये चर्चा अभी अपनी पूरी नहीं हुई है, इसलिए इसको अपन चालू करते हैं। देखो यहाँ कहा था कि इन तीनों में भव्यत्व लक्षण पारिणामिक तो यथासंभव सम्यकत्व आदि जीव गुणों का घातक देशघाती और सर्वघाती ऐसे नाम वाला मोहादि कर्म सामान्य पर्यायार्थिक नहीं से आच्छादित करता है ऐसा जानना, मोहादि कर्म सामान्य पर्यायार्थिक नहीं से आच्छादित करता है ऐसा जानना, वो चर्चा अपनी हो गई थी देशघाती सर्वघाती वाली। सर्वघाती माने सर्व प्रकार का अपना परिणाम शुद्ध होने में जो नियमित रूप से घात करता है उसको सर्वघाती कहा जाता है, और सर्वघाती छूट के देशघाती वहाँ रहता है, तब यहाँ औपसमिक समय दर्शन हो गया तो फिर कोई सयोपसम भाव चलता हो उसमें जो घात करता है उसको देशघाती बोला जाता है। चारित्र में भी ऐसी अपेक्षा लगा लेना। वहाँ जब कालादि लब्धि के वश भव्यत्व शक्ति की व्यक्ति होती है तब यह जीव सहज शुद्ध पारिणामिक भाव लक्षण नीच परमात्मा द्रव्य के सम्यक श्रद्धान सम्यक ज्ञान और सम्यक अनुचरण रूप पर्याय के रूप परिणमन करता है। तो ये जो यहाँ सहज शुद्ध पारिणामिक भाव लक्षण वाला तो नीच परमात्मा द्रव्य है, वो तो त्रिकाली द्रव्य है, वो तो शुद्ध अभेद आत्मा है, वो तो अपरिणामी तत्व है। वो सहज शुद्ध जो पारिणामिक भाव लक्षण वाला नीच परमात्मा द्रव्य है उसका सम्यक श्रद्धान, तो उसका सम्यक श्रद्धान ज्ञान और अनुचरण ये तीनों पर्याय एक साथ में एक समय प्रकट होती है। पहले श्रद्धा प्रकट होवे, बाद में ज्ञान प्रकट होवे, बाद में लीनता रूप आचरण होवे ऐसा भी नहीं होता। पहले ज्ञान प्रकट हो जाए, बाद में श्रद्धा प्रकट हो जाए, बाद में आचरण हो जाए
ऐसा भी नहीं होता। एक ही समय में सम्यक दर्शन नान चारित्राणी मोक्ष मार्ग एक समय में शुद्धात्मा का श्रद्धान करके ज्ञान करके और स्वरूपाचरण की लीनता करके एक ही समय में वो प्रकट होता है। इसलिए वो सब साथ में चलता है। आप अपन ने सबसे पहले जब ज्ञान और शुद्ध ज्ञान परिणत जीव की चर्चा आई तब लिया था कि भाई पर्यायें होती है पर्यायें, वो पर्यायें ऐसे प्रकट होती है गुणों की, एक गुण की एक पर्याय, दूसरे गुण की एक पर्याय, तीसरे गुण की एक पर्याय, चौथे गुण की एक पर्याय, पांचवें गुण की एक पर्याय, ऐसे अनंत गुण की अनंत पर्याय प्रकट रूप व्यक्त रूप है, अनंत गुण की अनंत पर्याय व्यक्त रूप है। मगर जब शुद्ध ज्ञान परिणत जीव होता है ऐसे ही यहाँ ये जो जीव सहज शुद्ध पारिणामिक भाव निज परमात्मा द्रव्य उसके सम्यक श्रद्धान ज्ञान और आचरण रूप परिणमता है, तो उसका मतलब ये है कि वो सम्यक श्रद्धान ज्ञान आचरण माने कि अनंत गुणों की अनंत पर्याय की परिणति बन जाती है। वो जब अहम होता है न तो पूरी परिणति अहम करती है, अकेली श्रद्धा अहम नहीं करती, मगर अहम श्रद्धा करती है उसके साथ में सब पर्याय होती है, इसलिए श्रद्धा से बात आती है। श्रद्धा चतुर्थ गुण स्थान में पूर्ण हो जाती है इसलिए श्रद्धा से बात आती है। श्रद्धा की प्रतीति के बिना ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान नहीं पड़ता, चारित्र का नाम सम्यक आचरण नहीं पड़ता, इसलिए श्रद्धा से बात आती है। बाकी सब गुणों की सभी पर्याय एक ही समय में परिणति अहम करके माने कि सम्यक दर्शन नान चारित्राणी मोक्ष मार्ग की प्रगटता हो जाती है। तो ये यहाँ कहते हैं कि सहज शुद्ध पारिणामिक भाव लक्षण निज परमात्मा द्रव्य के सम्यक श्रद्धा ज्ञान अनुचरण रूप पर्याय के रूप परिणमन करता है। उस परिणमन को ये परिणमन जो हुआ सम्यक परिणमन हुआ, अनुभूति हो गई, द्रव्य पर्याय की कथनचित अभिन्नता और कथनचित भिन्नता हो गई, उसको आगम भाषा से औपसमिक सायोपसमिक तथा क्षायिक इस प्रकार से भाव त्रय रूप कहने में आता है। भाव त्रय रूप उसका मतलब क्या है कि जो भाववान भगवान का भाव है उसके साथ वो पर्याय अभेद होके परिणमी गई, अभेद होके परिणम गई उसका मतलब कि वहाँ कोई पर्याय और द्रव्य का कोई भेद विकल्प खड़ा नहीं होता है। भेद विकल्प का नाम क्या है कि अभी भेद विकल्प खड़ा नहीं होता है उसका अर्थ क्या है, अपन बोल देते हैं भेद विकल्प नहीं होता है, भेद विकल्प नहीं होता है, मगर भेद विकल्प का नाम क्या है, भेद विकल्प किसे कहते हैं, क्यों इसको भेद विकल्प कहा जाता है कि भेद विकल्प नहीं रहता, माने कि भेद तो है उसका विकल्प नहीं है ऐसा कहना है, भेद तो है द्रव्य पर्याय का, द्रव्य पर्याय का भेद नहीं चला जाता मगर वो दोनों का भेद है ऐसा विकल्प छूट जाता है, और विकल्प विकल्प छूटा तो निर्विकल्प हो जाता है और द्रव्य पर्याय है ऐसे ही रह जाता है, तो उसको कहा जाता है कि भेद का विकल्प छूट गया। भेद का विकल्प का प्रकरण में क्या है कि पर्याय ऐसा नहीं विचार करती कि मैं द्रव्य का अनुभव करता हूं, कि मैं द्रव्य रूप होती हूं इसलिए मैं शुद्ध होती हूं, ऐसा जब तक विचार चले तब तक विकल्प है, तब तक भेद रूप विकल्प है, तब तक द्रव्य और पर्याय भिन्न रहते हैं, और जब ऐसा पता चल जाता है कि मैं तो एक त्रिकाली शुद्ध परमात्मा ही हूं, मैं तो त्रिकाली द्रव्य हूं, तब उसका भेद विकल्प छूट जाता है, माने कि द्रव्य और पर्याय दोनों ही दिखते हैं उसको, अब उसको अकेला द्रव्य दिखता है, द्रव्य दिखता है पर्याय में मगर दिखता है द्रव्य, ऐसा द्रव्य कहाँ दिखता है तो के पर्याय में दिखता है, वो पर्याय में क्या दिखता है तो के द्रव्य दिखता है, तो पर्याय क्या कहती है कि मैं द्रव्य ही हूं, उसका नाम भेद विकल्प छूट जाता है, भावत्रय प्रकट हो गया। भावत्रय रूप कहने में आया माने कि भाव माने कि जो भाववान का लक्ष्य करके अहम करके ज्ञान में ज्ञेय बना के लीनता करके जो पर्याय परिणमी गई उसको भावत्रय माने के सम्यक दर्शन नान चारित्र को त्रय कहा गया, और वो भाव था ऐसा ही भाव यहाँ प्रकट हो गया, जैसा द्रव्य में भाव था ऐसा ही पर्याय में भाव प्रकट हुआ, उसको कथनचित भिन्न कथनचित अभिन्न बोला जाता है, ये यहाँ कहना है। इसलिए भाव त्रय रूप कहने में आया तथा अध्यात्म से शुद्धात्म अभिमुख परिणाम सुदुपयोग इत्यादि पर्याय संज्ञा वो पाता है। शुद्धात्म अभिमुख परिणाम कहो कि सुदुपयोग कहो, उसमें कोई कर्म की सापेक्षता नहीं लागू पड़ती, और औपसमिक स्वयोपसमिक साहिक में कर्म की सापेक्षता लागू पड़ती है, इसलिए उसको वहाँ आगम भाषा से कहा, और शुद्धात्म अभिमुख परिणाम और सुदुपयोग को अध्यात्म भाषा से कहा।
अभी जो पैराग्राफ आता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वह पर्याय सुत्परिणामिक भाव लक्षण शुद्धात्म द्रव्य से कथनचित भिन्न है। कौन सी पर्याय? कि वो जो सम्यक श्रद्धान अनुचरण रूप जो पर्याय हो गई वो पर्याय शुद्धात्म द्रव्य से कथनचित भिन्न है। कथनचित का अर्थ क्या है? कथनचित माने कोई एक अपेक्षा से, कोई एक अपेक्षा से वो पर्याय द्रव्य से कथनचित भिन्न है, कोई एक अपेक्षा से भिन्न है। कोई एक अपेक्षा से भिन्न है इसका मतलब कोई एक अपेक्षा से अभिन्न है। देखो देवसेन आचार्य का एक नई चक्र है, वो नई चक्र में अनुभव की चर्चा जब शुरू हुई है तो देवसेन आचार्य ने उसमें लिखा कि पर्याय कथनचित अभिन्न हुए बिना कोई जीव को अनुभव नहीं हो सकता। इसलिए जब पर्याय को कथनचित भिन्न कहे तो पर्याय को कथनचित अभिन्न समझ लेना। कथनचित अभिन्न जब तक न होवे, कथनचित भिन्न और अभिन्न न होवे तब तक शुद्धात्मा की अनुभूति नहीं होती, और सर्वथा भिन्न जब तक न ख्याल में आवे तब तक शुद्धात्मा कैसा है वो पता नहीं चलता। तो सर्वथा भिन्न पूर्वक कथनचित भिन्न अभिन्न होता है अनुभव के काल में। अनुभव का विषय सर्वथा भिन्न रहता है, अनुभव की पर्याय कथनचित भिन्न अभिन्न रहती है। अनुभव का विषय में कथनचित भिन्न अभिन्न नहीं है और अनुभव की पर्याय सर्वथा भिन्न कभी नहीं होती। अनुभव की पर्याय कभी सर्वथा भिन्न नहीं होती। जो सर्वथा भिन्न उसको कहो तो वो पर्याय में अनुभव नहीं है। और त्रिकाली द्रव्य में कोई कथनचित भिन्न अभिन्न पना नहीं होता, उससे तो वो द्रव्य से तो पर्याय सर्वथा भिन्न है। ऐसा द्रव्य ध्येय है, ऐसा द्रव्य अपरिणामी तत्व है, ऐसा द्रव्य उपादेयभूत तत्व है। मगर उपादेयभूत किसको है? जो उपादेय करे उसको। उपादेय कौन करता है? तो के एक समय की पर्याय उसको उपादेय करती है। जब तक वो उसको उपादेय न करे तब तक वो परिणाम है वो सर्वथा भिन्न है उससे। उपादेय न करे तब तक क्या है? परिणाम सर्वथा भिन्न है। अभी वो परिणाम ने यहां उपादेय कर दिया, अभी उपादेय नहीं किया तब तक तो वो परिणाम पर तरफ है, वो तो बाहर घूम रहा है, वो तो राग का लक्ष्य है, तो पर का लक्ष्य है। तो वो परिणाम तो द्रव्य से सर्वथा भिन्न है, उसमें कथनचित लागू नहीं पड़ता क्योंकि उसकी जात अलग है, इसलिए उसमें कथनचित लागू नहीं पड़ता। इसलिए वो परिणाम तो सर्वथा भिन्न है। सर्वथा भिन्न में दृष्टि का विषय मिलता है, और सर्वथा भिन्न का जब पता चलता है कि परिणाम मेरे में है ही नहीं, तो वो परिणाम, वो मैं द्रव्य हूं ऐसा अहम करता है, तो वो परिणाम कथनचित भिन्न और कथनचित अभिन्न रहता है। अभी वो कथनचित भिन्न अभिन्न हुआ तब सचमुच में अनुभव होता है। अनुभव के काल में वो कथनचित भिन्न अभिन्न पर्याय नियम से होती है, परिणामी द्रव्य बन जाता है। द्रव्य तो अपरिणामी है मगर पर्याय जब द्रव्य का अभेद अनुभव करती है तो वो द्रव्य परिणम गया ऐसा भी कहा जाता है। पर्याय द्रव्य के साथ परिणम के अभेद हो गई ऐसा भी कहा जाता है। तो वो परिणामी द्रव्य है, वो परिणामी द्रव्य में अपरिणामी रहता है, परिणाम का भेद में अपरिणामी नहीं रहता। जो तू परिणाम का भेद में अपरिणामी को देखने जाएगा तो परिणाम का भेद तो पर द्रव्य है, वो तो पर स्वभाव है, वो तो है ही है। अभी परिणाम जब तक भेद रूप रहता है तब तक उसमें अनुभूति नहीं होती। वो परिणाम जब यहां अहम करके अभेद होता है कथनचित, तब उसको अनुभूति का परिणाम बोला जाता है। सर्वथा भिन्न पूर्वक कथनचित भिन्न अभिन्न परिणाम होता है, वो सचमुच में स्यादवाद है। वो स्यादवाद में सचमुच आत्मा कैसा है वो पता चलता है। सर्वथा भिन्न में उसको अनुमान में आया था कि मेरा द्रव्य में कोई परिणाम नहीं है, इसमें ऊपर ही कह दिया बंद मोक्ष का परिणाम से रहित है, सर्वथा भिन्न है। अभी अभी ऊपर कहते हो कि सर्वथा भिन्न है, फिर कहते हो कि कथनचित भिन्न है, तो हम क्या समझे? तो कि तू जब तुझे दृष्टि का विषय बताना हो तब दृष्टि का विषय में कोई परिणाम नहीं है, अनादि अनंत दृष्टि का विषय में कोई परिणाम नहीं है। जब अनुभूति होती है पर्याय में तब भी दृष्टि का विषय देखो तो वो परिणाम दृष्टि का विषय में नहीं है, अनुभूति के काल में दृष्टि का विषय में परिणाम नहीं है। मगर परिणाम
अगर दृष्टि का विषय में परिणाम चला जाए ना, तो दूसरे समय वो परिणाम प्रकट होते ही जगह दृष्टि का विषय में अगर वो परिणाम होवे तो पहले तो उत्पादी नहीं होवे, वो ध्रुव हो जाए परिणाम, या तो वो पर्याय का नाश से द्रव्य का नाश हो जाए, और दूसरे समय वो आश्रय लेने जाए तो परिणामी द्रव्य हो जाए। तो परिणामी का आश्रय से नया परिणामी शुद्ध नहीं होता है, इसलिए अपरिणामी सुरक्षित रहता है, सदा ही सुरक्षित रहता है, निगोद में भी सुरक्षित, अनुभूति में सुरक्षित, केवल ज्ञान में सुरक्षित, सिद्ध दशा में भी सुरक्षित। कोई भी परिणाम है वो परिणाम कथनचित भिन्न अभिन्न होता है, मगर द्रव्य तो द्रव्य का द्रव्य ही रहता है, मगर परिणाम अभेद हुए बिना अनुभूति नहीं कही जाती, आनंद का वेदन नहीं आता। आनंद का वेदन के लिए कथनचित भिन्न अभिन्न है, आनंद मूर्ति के लिए सर्वथा भिन्न है। अपरिणामी प्लस परिणाम इज इक्वल टू परिणामी, वो परिणामी में अपरिणामी रहता है, ऐसा यहां कथनचित भिन्न अभिन्न का अर्थ है। दृष्टि का विषय कहीं चला नहीं जाता, जीव को डर लगता है ना कि परिणाम अभेद हो जाएगा तो दृष्टि का विषय तो टूट जाएगा, परिणाम तो है ही नहीं उसमें, फिर अभेद होने की चर्चा ही कहां पैदा होती है, उसको क्यों आप कहते हो है? तो उसके लिए एक लालचंद भाई दृष्टांत देते थे, बहुत लोगों को तो पता होगा, मगर ये फिर से मैं कहता हूँ वो दृष्टांत। देखो, भ्रांतियाँ जीव को इतनी चलती है ना, इतनी भ्रांतियाँ चलती है, क्यों? सच्ची समझ नहीं है, बस और कुछ नहीं है, सच्ची समझ नहीं है। गुरुदेव का उपदेश भी सुनता है, बहुत सुनता है, मगर वहाँ जो पॉइंट गुरुदेव को सिद्ध करना है वो आता है ना, तब वो थोपता नहीं है, वो ब्रेक करके सोचता नहीं है, वो ज्ञान को विचारक नहीं बनाता है। इसलिए क्या होता है कि वो सब बातें सुन तो लेते हैं, सब ख्याल में भी आ जाती है, मगर जहाँ वजन आना चाहिए वहाँ वजन नहीं आता। एक अनुभूति का विषय और एक अनुभव, ये दो प्रक्रिया है और कुछ नहीं है। जिनागम में दो ही बात सीखने जैसी है, अनुभूति का विषय ख्याल में आया मगर अनुभूति नहीं होती है तो समझना कि कुछ प्रॉब्लम है, अभी अनुभूति के पीछे पड़ेगा तो अनुभूति का विषय छूटेगा, अनुभूति का विषय का विकल्प करेगा तो अनुभूति नहीं होगी। तो दोनों की समझ ज्ञान की मध्यस्थता में यथार्थता से होती है तो श्रद्धा अहम कर, श्रद्धा में श्रद्धा को अहम नहीं करना पड़ता द्रव्य का, कि श्रद्धा में अहम कर ले, ऐसा नहीं करना पड़ता श्रद्धा को। भाषा में तो ऐसा ही कहने में आता है कि श्रद्धा अहम कर ले, श्रद्धा में तू अहम कर ले, उसको ज्ञान में ज्ञेय बना ले, वो भाषा भाषा है, कहने वाले को भी पता है ये भाषा है, मगर उसके बिना तो उपदेश ही शक्य नहीं है, तो भाषा में तो कहना ही पड़ता है। आप ध्यान में बैठ जाओ ना जब लीन होके, तब भाषा तो बंद हो जाती है, तब खाली विकल्प चलते हैं, तो विकल्प में वो भाषा नहीं काम करती है कि मैं करूं, मैं श्रद्धान करूं, मैं ज्ञान को ज्ञेय बनाऊं, ऐसा नहीं होता है। वहां तो विचार दशा में निर्णय की भूमिका आई है, तो वहां तो एकदम ध्रुव की अंदर में माने कि एक ऐसी लगनी लगती है, ऐसी धुन चढ़ती है, ऐसा स्वभाव का बहुमान आता है। वो परिणमन तो जब एकांत में बैठ के वो चिंतन मनन में एकाग्र होकर लगने का पुरुषार्थ करता है तब का विषय है। उपदेश जब देना है तब तो सब बात व्यवहार से ही कही जावे, निश्चय का तो कोई वचन ही नहीं होता है। आप ध्रुव कहो ने तो भी वो व्यवहार है, कहना वही व्यवहार है। पांचवें कलश में लिया है कि कथन मात्र व्यवहार है, कलश टीका में आया पांचवें कलश में, कथन मात्र व्यवहार, वो कथन कहो व्यवहार हो गया, माने कि निश्चय का कथन नहीं होता, निश्चय का अनुभव होता है, निश्चय का वेदन होता है, निश्चय का कथन नहीं होता, निश्चय से कथन कोई कर ही नहीं सकता निश्चय का। इसलिए क्या है कि वो दृष्टांत जो है ने वो लालचंद भाई देते थे, बहुत अच्छा दृष्टांत है, ये द्रव्य पर्याय का सचमुच ख्याल आ जाए कि द्रव्य कैसे भिन्न रहता है, पर्याय कैसे अभिन्न हो जाती है और पर्याय कैसे भिन्न रहती है। अगर पर्याय सर्वथा अभिन्न हो जाए तब तो पर्याय का नाश से द्रव्य का नाश हो जाए, अभी पर्याय कथनचित भिन्न अभिन्न भी न होवे तो किसी को अनुभव न होवे,
अगर पर्याय सर्वथा भिन्न न होवे द्रव्य से, तो त्रिकाली द्रव्य में पर्याय आ जाए तो त्रिकाली द्रव्य अपरिणामी न रहे, तो किसके आश्रय से वो परिणाम शुद्ध होवे। ये सब बातें एक साथ में है, सब बातें एक साथ में है, इस तरीके से उसको सोचना चाहिए। एक जीव था, उसको हाथ में माने कि वो जलन हो रही थी, जलन। वो क्या होता है हमारे गुजराती में तो दाजी गयो तो एम के वाई, हाथ जल गया था, हाथ जल गया था, अग्नि में हाथ जल गया समझ लो। तो अभी उसको किसी ने बोला कि भाई यहाँ बर्फ की पाट है, उसके ऊपर तू हाथ रख दे। तो उसको तो क्षयोपशम बोध था, क्षयोपशम ज्ञान मास्टरी, बाह्य क्षयोपशम, बोलने का क्षयोपशम, एक अभिप्राय में एक क्षयोपशम नया बनता है, वो अलग होता है। ज्ञानी का अभिप्राय को नहीं कहा जाता है, वो एक अभिप्राय में एक क्षयोपशम ज्ञान वो बनता है, वो अलग होता है। और एक जीव को बाह्य क्षयोपशम होता है, वो अलग होता है। बाह्य क्षयोपशम वाला तो कड़कड़ाहट से बोल लेता है, मगर अनुभूति का प्रकरण की नजदीक भी नहीं पहुंचता हो, इतना उसका ज्ञान काम करता होता है बहिर्मुख में। मगर यहां तो ये क्या बताना है, अनुभूति कैसे हो गए। तो वो उसको बोला कि तुम्हारा हाथ जल गया है तो यहां बर्फ की पाट पड़ी है, बर्फ की शिला, उसके ऊपर तुम हाथ रख दो तो हाथ को राहत मिलेगी, ठंडा हो जाएगा। तो वो बोला नहीं 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 नहीं, ऐसे किसी ने बोला कि ये द्रव्य है त्रिकाली द्रव्य, वो शीतल पाट है, वो शुद्ध आत्मा है, वो परिपूर्ण ध्रुव तत्व है, तेरा मिथ्यात्व की जलन तेरे परिणाम में चल रही है, राग द्वेष मोह की अज्ञान दशा चल रही है, तो द्रव्य में तेरी पर्याय को स्थापित कर दे, द्रव्य को स्पर्श करा दे, तो तुझे वो मोहराग द्वेष चला जाएगा और वितरागता सम्यक दर्शन नान चारित्र हो जाएगा। तो बोले नहीं, दृष्टि का विषय को परिणाम स्पर्श ही नहीं करता, जो मैं दृष्टि का विषय के साथ परिणाम को अभेद करूं तो मेरा दृष्टि का विषय चला जाएगा, वो तो परिणाम ने लगेगा दृष्टि का विषय। इसलिए दृष्टि का विषय की समझ भी बहुत जरूरी है, परिणाम को कहाँ झुकाना और कहाँ अहम कराना वो भी बहुत जरूरी है। दृष्टि का विषय कभी नहीं चला जाता, अभी वो परिणाम को यहां रख दे, वो बर्फ के पाट ऊपर अपना हाथ रख दे वे, तो बर्फ की पाट और हाथ एक हो जाता है कि पृथक पृथक रहता है, क्योंकि फिर से हाथ उठा सकता है। पर्याय द्रव्य में अभेद हो गई तो फिर से पर्याय उत्पन्न होती है, पर्याय अभेद हो गई तो द्रव्य नहीं बन जाती, वो उत्पाद भी कायम रहता है। अनुभूति के काल में भी असंख्य समय तक निर्विकल्प दशा चलती है, तब भी उत्पाद भी चालू रहता है। नियम से प्रत्येक उत्पाद में ध्रुव की परिणति बनाते बनाते उत्पाद होता है और व्यय होके वो पारिणामिक भाव हो जाता है। जहां तक असंख्य प्रदेश असंख्य समय तक अनुभूति चलती है, तब तक वो परिणाम द्रव्य का सन्मुखता होके अभेदों के परिणमता रहता है। तो वो द्रव्य पर्याय एक हो जाता है, तब एक नहीं हो जाता, लक्ष पर का छूटा है और स्व का लक्ष हुआ है। वो जो परिणाम था, वो जलन थी, वो बर्फ के ऊपर रख दो तो एकदम ठंडक हो जाएगी उसमें, और वो बर्फ की पाट और हाथ एक कभी नहीं होता है। ऐसे द्रव्य और पर्याय स्वतंत्र रहते हैं, मगर पर्याय में मोहरा द्वेष की जो उत्पाद थी, वो उत्पाद ऐसा अभेद होने से सम्यक दर्शन नान चारित्राणी मोक्ष मार्ग बन जाता है। इसको कहा जाता है सर्वथा भिन्न पूर्वक कथनचित भिन्न भिन्न, और समय एक समय में, जो समय में सर्वथा भिन्न उसको दिखता है, वो दिखना उसी का नाम कथनचित भिन्न भिन्न है, उसी का नाम कथनचित भिन्न भिन्न है। सर्वथा भिन्न त्रिकाली द्रव्य को देखा, वो देखा उसका नाम ही कथनचित भिन्न भिन्न हो गया, वो पर्याय अभेद हो गई, पर्याय परिणम गई। उपयोग तो आत्मा से अनन्य था, ज्ञान का उपयोग तो आत्मा से
अनन्य था, बाल गोपाल सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा तो अनुभव में आ रहा था, मगर उसकी श्रद्धा नहीं बनी थी। जब तक त्रिकाली द्रव्य की श्रद्धा नहीं बनती तब तक बाल गोपाल सबको अनुभूति में आता होने पर भी, माने कि वो श्रद्धा जब तक त्रिकाली द्रव्य में अहम नहीं करती तब तक वो अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है, वो अनुभूति स्वरूप भगवान अनुभव में आता है, वो अनुभव में सम्यक ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। इसलिए वो तो स्वरूप है और वो श्रद्धा अहम किया, श्रद्धा ने अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है, श्रद्धा ने अहम किया नायक भाव में, उसी समय वो पर्याय तो अनन्य थी, वो अनन्य थी वो अभेद हो गई, अनन्य थी वो परोक्ष थी, अभेद हुई वो प्रत्यक्ष हो गई। ये परोक्ष और प्रत्यक्ष उसमें सब रमत है, परोक्ष ज्ञान था वो प्रत्यक्ष हो गया, परोक्ष का व्यय, प्रत्यक्ष का उत्पाद, श्रद्धा का अहम और स्वरूप आचरण की लीनता, इसको बोला जाता है ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग रूप, ये भाव त्रय रूप ये परिणम गया। ये अपरिणामी सुरक्षित रहता है, परिणाम का भेद छूट जाता है और परिणाम में अपरिणामी हुए से परिणम जाता है, उसको सचमुच में कथनचित भिन्न अभिन्न द्रव्य से पर्याय है ऐसा कहा जाता है। वो पर्याय अगर सर्वथा अभिन्न हो जाए तो पर्याय का नाश से द्रव्य का नाश हो जाए, वो पर्याय द्रव्य से सर्वथा भिन्न ही रहे तो वो पर्याय में अनुभूति रूप आनंद नहीं आता है। इसलिए ये थोड़ा अटपटा खेल है, रहित का श्रद्धान और सहित का ज्ञान और समय एक, रहित का श्रद्धान, रहित का ज्ञान और सहित का भी कथनचित निर्मल पर्याय से सहित का भी ज्ञान समय एक होता है। वो ज्ञान जो प्रकट हुआ सम्यक ज्ञान, वो सम्यक ज्ञान श्रद्धा ने अहम किया वो भी जानता है, त्रिकाली द्रव्य से मैं अभिन्न हुआ वो भी जानता है, और पर्याय का उत्पाद व्यय और हो रहा है वो भी जानता है, उसमें वो आनंद आया वो भी वो जानता है। ये ज्ञान की ऐसी शक्ति है क्योंकि उसको लक्षण कहा है आत्मा का, इसलिए वो लक्षण वो प्रसिद्ध करता है कि श्रद्धा में सम्यक्ता प्रकट हो गई। श्रद्धा को कुछ मालूम नहीं मैंने अहम किया है, श्रद्धा में ज्ञान ही नहीं है, चारित्र की लीनता हुई उसके पास ज्ञान ही नहीं है, वो तो ज्ञान प्रसिद्ध करता है कि मेरे को आनंद का ज्ञान हुआ तो श्रद्धा भी समकित हो गई और चारित्र भी समकित हो गया। देखो एक जो दीपचंद जी हो गए ना, दीपचंद जी उसने अध्यात्म पंच संग्रह लिखा, उसमें एक चिदविलास लिखा, चिदविलास, तो चिदविलास में लिखा दीपचंद जी साहब ने कि अभी का काल ऐसा है कि मुझे आगम की श्रद्धा वाले लोग भी नहीं दिखते। क्या लिखा? आगम की श्रद्धा वाले लोग नहीं दिखते, अध्यात्म की बात तो कुछ और है, आगम की श्रद्धा वाले लोग नहीं दिखते, और मैं कुछ कहता हूं, मैं कुछ कहता हूं तो वो मानते नहीं, मैं कुछ कहता हूं तो वो सुनने के लिए तैयार नहीं, वो मानने के लिए तैयार नहीं, इसलिए ये सब अध्यात्म की बात मैं लिख जाता हूँ, मैं लिख जाता हूँ, ऐसा कहा उसने। क्योंकि अभी मैं कहता हूँ तो कोई मानता नहीं, आगम की श्रद्धा वाले मुझे दिखते नहीं, इसलिए मैं लिख जाता हूँ, मैं कलम चला के लिख जाता हूँ। वो कलम चला के लिख दिया और गुरुदेव के पास आ गया वो, और गुरुदेव ने उसका खुलासा कर दिया। उसको पता था कि कोई ना कोई खुलासा करने वाला पुरुष निकलेगा, तो वो खुलासा गुरुदेव ने कर दिया। और दूसरी एक बात दीपचंद जी ने बताई, वो भी बहुत मार्मिक बात बताई उसने, कि जैसे जैसे शिष्य को, जैसे जैसे शिष्य को मैं आत्मा अनंत गुणात्मक गुणी है उसका एक एक गुण का भेद करके समझाता हूँ, समझाता हूँ, ऐसे शिष्य को अंदर से रोमांच उछड़ता है। क्या होता है? रोमांच उछड़ता है, ऐसा लिखा उसने, रोमांच उछड़ता है, उसको महिमा आती है, उसको स्वरूप ख्याल में जैसे कि आत्मा हाथ में आ गया वैसा लगता है। इसे भेद, भेद से मैं तो महिमा करता हूं, भेद से गुणों की महिमा करता हूं, तो शिष्य को आनंद की तरंगे अब उछलने वाली हो
ऐसा उसको अंदर से हर्ष प्रकट होता है, ऐसा रोमांच खड़ा हो जाता है। जैसे मोक्ष मार्ग प्रकाशककर्ता ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में रोमांच शब्द डाला है, वो दीपचंद जी ने भी बोला रोमांच खड़ा हो जाता है उसको। तो जैसे भेद से भी समझाता हूँ गुणों का भेद से, तो उसको आनंद का रोमांच उछड़ता है, तो वो अभेद में चला जाएगा तो उसका क्या होगा। ऐसे ऐसे साधक जीव भी इतना इतनी स्पष्टता करके गए हैं कि अपने को ऐसा लगे कि ये पूज्य गुरुदेव श्री ने कितना रहस्य खोल के अपने सामने रख दिया। तो ये एक ही समय में सर्वथा भिन्न पूर्वक कथनचित भिन्न अभिन्न ये पर्याय होती है, उसको कहा जाता है कि ये सम्यक श्रद्धान, सम्यक ज्ञान और सम्यक अनुचरण रूप ये परिणमन करता है। वो अष्टपाड़ू में लिखा है कि मति ज्ञान रूपी धनुष से, क्या लिखा है अष्टपाहुड़ में, मति ज्ञान रूपी धनुष से, श्रुत ज्ञान रूपी दोरी से, क्या मति ज्ञान रूपी धनुष, श्रुत ज्ञान रूपी दोरी, वो दोनों से ज्ञान दर्शन चारित्र का बाण, मति ज्ञान रूपी धनुष और श्रुत ज्ञान रूपी दोरी, वो उससे तू ज्ञान दर्शन चारित्र रूपी तीर वो ध्रुव पे लगा दे, ध्रुव पे लगा दे, वो धनुष और वो दोरी से वो बाण तू ध्रुव पे लगा देगा तो वहां मति श्रुत की सम्यक्ता और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष बार प्रकट हो जाएगा। वो बाण ध्रुव पर लगाने का क्यों बोला, कथनचित अभिन्न होता है, वो कथनचित अभिन्न है, ध्रुव ध्रुव रूप रहता है और वो पर्याय अभिन्न हो जाती है, पर्याय अभिन्न भी होती है कथनचित और कथनचित भिन्न भी रहती है, कोई एक अपेक्षा से भिन्न, कोई एक अपेक्षा से अभिन्न, कोई एक अपेक्षा से अभिन्न माने अनुभव, कोई एक अपेक्षा से भिन्न माने कि पर्याय का नाश हो तो भी द्रव्य का नाश नहीं होता, इसलिए कथनचित भिन्न अभिन्न बोला। सर्वथा अभिन्न हो तो पर्याय का नाश से द्रव्य का नाश हो जाए, और कथनचित अभिन्न नहीं होवे, कथनचित भिन्न कथनचित अभिन्न तो कोई जीव को अनुभूति नहीं होवे। इसलिए श्रद्धा ज्ञान का सुमेड़ है ना, वो बहुत जरूरी है, इतना जरूरी है, इतना जरूरी है कि जब तक जीव श्रद्धा ज्ञान का सुमेड़ नहीं करता ने, तब तक वो सचमुच में उसके पास त्रिकाली द्रव्य होने पर भी उसकी श्रद्धा उसको बन नहीं सकती। इसलिए यहाँ जो बहुत अच्छी चर्चा ये कथनचित भिन्न अभिन्न की है, और कथनचित भिन्न अभिन्न की चर्चा क्यों आचार्य भगवान ने रखी, क्योंकि उसको भी जब अनुभव हुआ होगा ना, उसको जब अनुभव हुआ होगा, क्योंकि जब आचार्य होते हैं तो सम्यक दर्शन में से ही आगे बढ़ते बढ़ते आचार्य होते हैं, उसको जब अनुभव हुआ होगा तब उसने सर्वथा भिन्न माना होगा, तब दृष्टि का विषय हाथ में आया होगा, तब अपरिणामी तत्व हाथ में आया होगा, और अपरिणामी तत्व हाथ में आया होगा तब उसका परिणाम उसमें अहम करके परिणाम गया होगा, तब वहाँ कथनचित भिन्न अभिन्न हुआ होगा। इसलिए और उसको निरंतर अभी जो सातवां छठा गुणस्थान चल रहा है तो छठे में परिणति भिन्न रहती है और सातवें में कथनचित अभिन्न होती रहती है। तो ऐसी भिन्न अभिन्नता भिन्न अभिन्नता भिन्न अभिन्नता भिन्न अभिन्नता भिन्न अभिन्नता निरंतर चलने से वो यहाँ ये लिख देते हैं कि ये कथनचित अभिन्न और कथनचित भिन्न, क्योंकि आत्मा आश्रित परिणाम होता है ना, वो कभी सर्वथा भिन्न नहीं होता। राग का परिणाम सर्वथा भिन्न होता है, मगर आत्मा आश्रित परिणाम होता है वो सर्वथा भिन्न नहीं हो सकता। अगर वो सर्वथा भिन्न होवे तो आत्मा का आश्रय नहीं है उसको। सर्वथा भिन्न किसको बोलते हैं कि जो पर्याय पर लक्ष्य वाली है, मगर वो पर्याय अगी आत्मा का लक्ष्य करके परिणाम गई तो वो पर्याय कथनचित भिन्न कथनचित अभिन्न हो जाती है। कथनचित अभिन्न नहीं होवे, कथनचित भिन्न होके कथनचित अभिन्न नहीं रहे तो अनुभव नहीं होता। सर्वथा भिन्न होवे तो तब तक वहाँ माने कि त्रिकाली द्रव्य बताना है। अभी कथनचित भिन्न और सर्वथा चाहिए ना, सर्वथा चाहिए तेरे को, सर्वथा चाहिए ना, तो कथनचित भिन्न अभिन्न के ताल में भी कुछ काल में भी कुछ सर्वथा है। व्यवहार रत्न त्रयी का परिणाम है ना रागादि भाव, वो सर्वथा भिन्न है, ले तेरे को सर्वथा भिन्न चाहिए ना, वो सर्वथा भिन्न है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग कथनचित भिन्न अभिन्न है, और त्रिकाली द्रव्य से ये सब सर्वथा भिन्न है, मगर परिणति शुद्ध हुई वो कथनचित अभिन्न भिन्न है।
इस तरीके से ये बात को समझना, श्रद्धा और ज्ञान का सुमेर जिसको करना आता है उसको ये परिणाम का भिन्न अभिन्नपना समझ में आ जाता है। नहीं तो उसको ऐसा लगता है कि ये पर्याय को सर्वथा भिन्न बोलते हैं गुरुदेव। गुरुदेव ने कहा कि ये कथनचित भिन्न तो अपेक्षा से बोला है, ऐसा भी बोला गुरुदेव ने अभी प्रवचन नवनीत में कि जीव को कठिन न लगे इसलिए। और वही गुरुदेव फिर यही खुलासा करते हैं कि कथनचित अभिन्न न होवे तो अनुभूति नहीं होती, और कथनचित भिन्न न होवे तो कथनचित भिन्न अभिन्न की सत्ता होनी चाहिए, इसलिए माने कि अनुभूति उसी में होती है कथनचित भिन्न भिन्न पर्याय होवे तो। और द्रव्य से सर्वथा भिन्न है पर्याय, अनुभव होता है तब अनुभव से कथनचित भिन्न भिन्न है, वही गुरुदेव है। मगर जब दृष्टि का विषय बताना हो, दृष्टि का विषय सिद्ध करना हो, तब पर्याय सर्वथा भिन्न ही है, ये दृष्टि का विषय है। अनुभव के काल में भी दृष्टि का विषय की चर्चा करना हो तो वो सर्वथा भिन्न है पर्याय, पर्याय है ही नहीं मेरे में, वो सर्वथा भिन्न वाला दृष्टि का विषय की चर्चा है। मगर दृष्टि का विषय जिसके ख्याल में आता है उसको नियम से अनुभूति होती है, और अनुभूति होती है वो कथनचित भिन्न अभिन्न को समझे बिना रहता ही नहीं, उसको वो अनुभूति में कथनचित भिन्न अभिन्न चलता ही है, परिणति में निरंतर चलता है, इसलिए उसको उसका ज्ञान बराबर होता है, वो ज्ञान कभी उसका चला नहीं जाता। अगर वो ज्ञान चला गया तो अनुभूति चली जाती है, कोई सर्वथा भिन्न का पक्ष में ही चढ़ जाए और कथनचित भिन्न अभिन्न को भूल ही जाए तो उसका मतलब ही है कि अनुभूति नहीं है। अनुभूति है तो उसके श्रीमुख से भी ये बात आए बिना नहीं रहती। गुरु श्री सोगानी जी ने बोला, सोगानी जी ने एक बात कही कि कर्ता अकर्ता को जानते जानते मोक्ष हो जाता है। क्या बोला सोगानी जी ने? कर्ता अकर्ता को जानते जानते मोक्ष हो जाता है। बाद में और एक बात बोली कि कर्ता कर्म क्रिया भेद नहीं भासतु है, अकर्तृत्व शक्ति अखंड रीति धरे ही है, याही के गवेशी तू ज्ञान माही लखी लीजिए, याही की लखनी में अनंत सुख भरियो है। ये अनुभवी पुरुष है, ये दृष्टि का विषय की चरम सीमा कहने वाला पुरुष है। वो कहता है कि अनुभव के काल में कौन कर्ता कौन क्रिया और कौन कर्म, कर्ता कर्म क्रिया का भेद नहीं भासित होता है, कर्ता कर्म क्रिया होता है मगर भेद भासित नहीं होता है, अकर्तृत्व शक्ति अखंड रीति धरी है, यही के ज्ञान में लखी लीजिए गवेशी, तेरे ज्ञान में भी ये लिख लेना कि यही की शक्ति में अनंत सुख भरियो है, अनंत सुख वाला भगवान आत्मा है। और वो आत्मा वो अकर्ता होने पर भी वो कर्ता कर्म का अनन्यपना ज्ञान में जब होता है, आत्मा कर्ता और उसका ज्ञान परिणाम उसका कर्म वो व्यवहार रूप उपचार, मगर ऐसा कर्ता कर्मापना जब प्रकट होता है तो कर्ता और अकर्ता दोनों को जानते 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 मोक्ष प्रकट हो जाता है। तो ऐसा अनुभवी पुरुष की सब बातें अनुभव में से निकलती है, और अनुभव में से निकलने वाली बात जो होती है वो पूरी सम्यक होती है, उसमें कोई माने कि बाधक रूपता नहीं आती है, एकदम सम्यक प्रकार का प्रतिपादन उनका आता है। तो साधक जो है उसको बाधक तत्व है, ध्येय में कोई बाधकपना नहीं है, साध्य में कोई बाधकपना नहीं है, इसलिए यहाँ परिणाम को कथनचित भिन्न अभिन्न का प्रकरण अनुभूति के काल का यहाँ कहा गया। ये बहुत समझने जैसी बात है, क्योंकि ये पूरी गाथा में तो अपरिणामी तत्व की ही चर्चा आई है, तो अपरिणामी तत्व ही बताना है, मगर अपरिणामी तत्व जिसको पता चलता है उसको परिणामी हुए बिना रहता ही नहीं, परिणामी उसको हुए बिना रहता ही नहीं। अपरिणामी का जिसको श्रद्धान होता है उसको वो ज्ञान वो अनंत गुण की अनंत पर्याय आत्मा के सन्मुख कथनचित अभिन्न होकर परिणमती ही है, और वो पर्याय कथनचित अभिन्न होती है, सर्वथा अभिन्न नहीं होती है, इसलिए कथनचित भिन्न भी है और कथनचित अभिन्न भी है, ऐसा यहाँ ये कहना चाहते हैं। और जो देखो ऐसा है कि परिणामी जो हुआ ना, परिणामी हो गया, वो परिणामी भी कथनचित भिन्न अभिन्न रहता है, वो परिणाम को द्रव्य के साथ जोड़ा तो परिणामी हो गया,
परिणामी कथनचित भिन्न भिन्न रहता है, वो सर्वथा भिन्न नहीं हो जाता। और परिणामी सर्वथा भिन्न, परिणाम द्रव्य से सर्वथा भिन्न, परिणामी कथनचित भिन्न भिन्न। और परिणामी त्रिकाली द्रव्य ध्रुव, उससे परिणाम सर्वथा भिन्न, और वो परिणाम अभेद होकर परिणम गया तो वो परिणामी हो गया, तो परिणामी कथनचित भिन्न अभिन्न। एक ही समय में रहित का श्रद्धान, रहित का ज्ञान, उसी समय निर्मल पर्याय से सहित का अनुभव रूप ज्ञान कोई भी जीव अनुभूति वाले को प्रकट होता है। ऐसी चर्चा यहाँ आचार्य भगवान बताई, बहुत माने कि सुंदरता से ये प्रकरण यहाँ आया है, इसलिए अपन ने उसका इतना चर्चा भी बहुत कर ली। ये प्रकरण इस तरीके से समझेगा तो उसको सचमुच में उसका ज्ञान में पूरा विषय व्यवस्थित उसके ख्याल में आ जाएगा। इसलिए यहाँ कहा कि अतः यह वह परिणाम पर्याय सुत पारिणामिक भाव लक्षण शुद्धात्म द्रव्य से कथनचित भिन्न है। किस कारण से? कि भावना रूप होने से। वो परिणाम भावना रूप है, भावना रूप का मतलब है कि वो पर्याय रूप है, पर्याय रूप है उसका मतलब है कि वो नाशवान है और त्रिकाली द्रव्य है वो अविनाशी है। वो भावना रूप होने से सुत पारिणामिक भाव तो भावना रूप नहीं है, त्रिकाली द्रव्य तो भावना रूप नहीं है, वो तो भाव रूप है। यदि वह पर्याय एकांत रूप से सुत पारिणामिक भाव से अभिन्न हो तो मोक्ष का प्रसंग बनने पर इस भावना रूप मोक्ष कारणभूत पर्याय का भी विनाश होने पर क्या कहते हैं कि अगर वह पर्याय एकांत से सुत पारिणामिक से अभिन्न हो जाए, वो मोक्ष मार्ग की पर्याय त्रिकाली द्रव्य से सर्वथा अभिन्न अगर समझ लो कि हो गई, तो मोक्ष का प्रसंग जब आएगा, मोक्ष मार्ग वो रत्नत्रयी है, वो साधक का परिणाम है और मोक्ष है वो साध्य है। अभी मोक्ष का प्रसंग जब आएगा तब मोक्ष मार्ग की पर्याय का तो व्यय हो जाएगा। अगर जो मोक्ष मार्ग की पर्याय सर्वथा अभिन्न त्रिकाली द्रव्य से हो गई हो तो उसका नाश होगा, व्यय होगा, तो मोक्ष का भी और त्रिकाली द्रव्य का भी व्यय हो जाएगा, तो मोक्ष ही प्रकट नहीं होगा। इसलिए यहाँ कहते हैं कि ये मोक्ष का प्रसंग बनने पर, इस भावना रूप मोक्ष कारणभूत पर्याय का विनाश होने पर सुत पारिणामिक भाव भी विनाश को प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि मोक्ष का जो कारण मोक्ष मार्ग को बताया, मोक्ष का कारण मोक्ष मार्ग को बताया क्यों, कि सम्यक दर्शन पूर्वक ही मोक्ष होता है, इसलिए मोक्ष का कारण मोक्ष मार्ग है। वास्तव में गुरुदेव ने बहुत बार बोला है कि मोक्ष का कारण भी दो प्रकार से होता है, एक तो मोक्ष का कारण त्रिकाली द्रव्य का माने कि अभेद अनुभव से होता है मोक्ष, और एक पर्याय को स्वतंत्र देखो तो पर्याय के षटकारक से ही पर्याय मोक्ष की प्रकट होती है, तब उसका लक्ष्य त्रिकाली द्रव्य का परिपूर्ण उसका लक्ष्य उधर चला गया होता है। इसलिए त्रिकाली द्रव्य के आश्रय से ही सब परिणाम की शुद्धता प्रकट होती है। यहाँ मोक्ष मार्ग को कारण क्यों बताया, क्योंकि मोक्ष मार्ग प्रकट हुए बिना मोक्ष नहीं होता, इसलिए वो कारण बताया, माने कि कारण बनाना नहीं है उसको, मगर वो है तो मोक्ष होता है। इसलिए जो मोक्ष मार्ग की परिणाम का परिणाम, मोक्ष मार्ग का परिणाम द्रव्य से सर्वथा अभिन्न हो गया हो तो मोक्ष का प्रसंग बनने पर त्रिकाली द्रव्य ही नाश हो जाता तो मोक्ष ही प्रकट नहीं होता। इसलिए ऐसा मोक्ष का प्रसंग बनने पर, इस भावना रूप मोक्ष कारणभूत पर्याय का विनाश होने पर सुत पारिणामिक भाव भी विनाश को प्राप्त हो जाए, परंतु ऐसा तो नहीं बनता, क्योंकि सुत पारिणामिक भाव तो अविनाशी तत्व है। अविनाशी तत्व कभी नाश नहीं हो सकता, वो तो सदाय ध्रुव रूप, एक रूप, टंकोत्कीर्ण परमात्मा, शाश्वत परमात्मा, त्रिकाल परमात्मा, ऐसा न ऐसा रहता है। इसलिए यहाँ वो परिणाम कथनचित अभिन्न इसलिए बोला गया, क्योंकि वो भावना रूप है, भावना नाशवान होती है, इसलिए कथनचित भिन्न और कथनचित अभिन्न होती है। ऐसा यहाँ प्रकरण बहुत अच्छी तरह से आया। अभी दूसरा उसका पैराग्राफ है, अतः यह सिद्ध हुआ कि सुत पारिणामिक भाव विषयक, सुत पारिणामिक भाव का अवलंबन लेने वाली जो भावना है, उस रूप जो उपशमिक आदि तीन भाव है, वे समस्त रागादि से रहित होने के कारण, क्या कहते हैं कि वो भावना जो सब रत्नत्रयी की हो गई, वो समस्त रागादि भाव से पृथक है। क्यों रागादि भाव से पृथक है? कि वो शुद्ध ज्ञान परिणत जीव हो गया है, वो परिणति अंदर चली गई, वो सम्यक दर्शन नान चारित्राणी मोक्ष मार्ग प्रकट हो गया, औपशमिक आदि तीन भाव प्रकट हो गया, तो उसमें भी राग नहीं होता है, त्रिकाली द्रव्य में भी राग नहीं होता है, तो वो समस्त रागादि के रहित होने के कारण शुद्ध उपादान कारणभूत। अभी देखो यहाँ फिर शुद्ध उपादान कारण भूत आया, पहले शुद्ध उपादान भूत आया था, फिर शुद्ध उपादान रूप आया, फिर
फिर यहाँ शुद्ध उपादान कारण भूत आया। तीनों में फर्क है, तीनों में फर्क है। शुद्ध उपादान है वो त्रिकाली द्रव्य है, शुद्ध उपादान भूत है वो त्रिकाली द्रव्य है, शुद्ध उपादान रूप है वो सम्यक पर्याय है, शुद्ध उपादान कारणभूत है वो कारणभूत परिणति को कहा जाता है। वो परिणति द्रव्य के साथ अभिन्न हो गई तो वो शुद्ध त्रिकाली द्रव्य भी है और उसका कारणभूत माने कि जो मोक्ष का कारण बनने वाली पर्याय है वो परिणति अभी शुद्ध उपादान कारणभूत हो गई है तो उसको यहाँ सम्यक परिणति जो प्रकट हुई वो पर्याय परिणत द्रव्य हो गया, वो शुद्ध उपादान कारणभूत वो परिणामी द्रव्य की चर्चा है। शुद्ध उपादान रूप वो सम्यक परिणाम प्रकट हुआ उसकी चर्चा है, शुद्ध उपादान भूत वो त्रिकाली द्रव्य की चर्चा है। तीनों शब्द एक जैसे लगते हैं, तीनों में फर्क है। शुद्ध उपादान भूत त्रिकाली द्रव्य, शुद्ध उपादान रूप माने कि द्रव्य सन्मुख होके पर्याय परिणामी वो शुद्ध उपादान रूप, और यहाँ शुद्ध उपादान कारणभूत तो वो कारणभूत होने से मोक्ष कारण है परंतु शुद्ध परिणामी को नहीं है। वो शुद्ध उपादान कारणभूत होने से मोक्ष कारण मोक्ष के कारण रूप है, इसलिए वो परिणति है, वो परिणति द्रव्य से अभेद हो गई, उसको शुद्ध उपादान कारणभूत बोला गया। शुद्ध उपादान कारणभूत का मतलब द्रव्य से के साथ अभेद होके वो परिणम गई तो वो कारण बनती है, वो परिणामी द्रव्य बन गई है, वो कारणभूत कहा जाता है। सचमुच में परिणामी द्रव्य कोई मोक्ष का कारण नहीं बनता है, मगर वो परिणति है, वो शुद्ध उपादान के साथ अभेद होकर परिणमी गई है, इसलिए उसको शुद्ध उपादान कारणभूत कहा जाता है। कोई परिणामी द्रव्य कोई परिणाम का मोक्ष का कारण भी परिणामी द्रव्य शुद्ध ज्ञान परिणत जीव वाला द्रव्य जो है वो परिणाम और परिणामी अभेद हो गया, परिणामी और परिणाम वो शुद्ध पर वो परिणाम शुद्ध परिणत जीव हो गया, वो शुद्ध ज्ञान परिणत जीव वो मोक्ष का कारण नहीं बनता है। मगर शुद्ध उपादान कारण भूत कहने का अर्थ ये है कि वो परिणति द्रव्य से अभेद होकर परिणम गई है तो द्रव्य का अवलंबन लेके वो परिणति परिणमी है, इसलिए वो परिणति को शुद्ध उपादान कारण भूत कह के मोक्ष को कार्य कहा गया है। ऐसी चर्चा यहाँ शुद्ध उपादान कारणभूत होने से मोक्ष कारण मोक्ष के कारण रूप है परंतु शुद्ध पारिणामिक नहीं। शुद्ध पारिणामिक भाव तो वो तो ध्रुव सत्ता है, एकदम अखंड अखंड सत्ता है, अर्थात शुद्ध पारिणामिक भाव मोक्ष का कारण नहीं है, वो तो सचमुच अकारण परमात्मा कहा है यहाँ, क्योंकि मोक्ष का कारण मोक्ष मार्ग को बताना है, इसलिए ऐसा यहाँ ये स्वरूप है। अभी इसके बाद जो आएगा पूरा निष्क्रिय शुद्ध पारिणामिक का वर्णन आता है, वो निष्क्रिय शुद्ध पारिणामिक का बहुत मार्मिक प्रकरण है, वो अपन कल लेंगे और परसों वो अपन पूरा वो ध्रुव सामान्य और ध्रुव विशेष वाला प्रकरण माने कि प्रत्यक्ष प्रतिभासमय वाला प्रकरण जो चलेगा गुरुदेव के प्रवचन में उसी को लेंगे। ऐसा स्वरूप समझ कर सभी भवी जीव मोक्ष मार्ग में प्रयाण करें, ऐसी मंगल भावना। मेरे पास एक दो प्रश्न आया है, वो मैं पहले यहाँ कह देता हूँ, फिर किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं जरूर। मेरे को एक प्रश्न आया है कि भाई ये द्रव्य का द्रव्य पृथक है और पर्याय का द्रव्य पृथक है, उसका क्या अर्थ है? ऐसा प्रश्न आया है जो पूज्य गुरुदेव श्री ने 252 नंबर के कलश के आधार से वो अपने को बताया था, तो वहाँ द्रव्य क्षेत्र काल भाव की चर्चा है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की चर्चा में द्रव्य का द्रव्य क्षेत्र काल भाव द्रव्य में होता है और पर्याय का द्रव्य क्षेत्र काल भाव पर्याय में होता है, उस अपेक्षा से दोनों की भिन्नता करने के लिए, दोनों की सर्वथा भिन्नता बताने के लिए द्रव्य का द्रव्य क्षेत्र काल भाव द्रव्य में रहता है और पर्याय का द्रव्य क्षेत्र काल भाव पर्याय में रहता है, यानी कि पर्याय की सत्ता ही पर्याय का कारण कार्य है और द्रव्य की सत्ता द्रव्य में द्रव्य क्षेत्र काल भाव से रहती है, ऐसी दोनों की भिन्नता बताने के लिए वो 252 कलश टीका का है। उसमें सविकल्प भेद कल्पना का जो प्रकरण आया है कि वो त्रिकाली द्रव्य में हूँ ऐसा उसमें भेद करना, तो वो सविकल्प भेद कल्पना माने कि वो पर द्रव्य हो जाता है, इसलिए वहाँ ऐसा प्रकरण वो पर्याय
द्रव्य का द्रव्य क्षेत्र काल भाव द्रव्य में, पर्याय का द्रव्य क्षेत्र काल भाव पर्याय में, ऐसा वहाँ आया है। एक प्रश्न ये था। दूसरा प्रश्न ये था कि ये पारिणामिक भाव सबको कहने में आया, तो वो दस प्राण रूप पारिणामिक का ऐसा प्रश्न भी कुछ आया था। तो पारिणामिक भाव का मतलब है निरपेक्षता, बस पारिणामिक भाव माने निरपेक्षता, परम पारिणामिक भाव माने त्रिकाली द्रव्य, और पारिणामिक भाव माने निरपेक्षता। कोई पण पर्याय को, कोई पण पदार्थ को पारिणामिक कहा जा सकता है, क्योंकि कोई पण परिणाम को किसी का भी आधार नहीं होता, किसका आश्रय नहीं होता, उसको सत्पने सटकारक से देखो तो वो अपने में अपने से होता है, इसलिए उसको पारिणामिक कहा जाता है। पारिणामिक माने निरपेक्ष, औदयिक औपसमिक स्वयोपसमिक साइक माने सापेक्ष, इसलिए सापेक्षता से रहित वो पारिणामिक कहा जाता है। औदयिक भाव को भी आप कोई अपेक्षा के बिना देखो तो वो भी पारिणामिक है। कोई भी चीज को आप कोई अपेक्षा लगाए बिना, निमित्त नैमित्तिक संबंध के बिना, उसकी खुद की सत्ता से देखो तो उसको पारिणामिक कहा जाता है। ये दो प्रश्न मेरे पास आए थे, वो मैंने बोल दिया। अभी किसी को प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ये लास्ट में जो अभी बात आई कि शुद्ध पारिणामिक रूप और शुद्ध पारिणामिक कारणभूत, हाँ, इसमें दोनों में सम्यक परिणति की बात आई, हाँ, की बराबर है, तो इसमें थोड़ा फर्क में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। हाँ वो कि हाँ बोलिए, जो हमने बताया शुद्ध पारिणामिक रूप और फिर वो भी सम्यक परिणति की पर्याय बता दी, हाँ, और कारणभूत है वो भी उसी रूप करीब करीब समझ में आया, हाँ, तो थोड़ा ये कन्फ्यूजन हो गया। हाँ नहीं नहीं उस पे ऐसा है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये अपनी गाथा है ना, वो अपनी गाथा में जो शुद्ध उपादान भूत दूसरे पैराग्राफ पे लिखा है वो त्रिकाली द्रव्य का विशेषण है, वो तो समझ में आता है, बराबर है, मगर उसमें से ही ये सब निकलता है। शुद्ध उपादान भूत माने होने रूप है, होने रूप माने कि उसकी सत्ता है, कोई सत्ता नई नई बनी है, वो होने रूप सत्ता को शुद्ध उपादान भूत बोला जाता है, वो त्रिकाली द्रव्य की सत्ता है, बराबर है। बाद में देखो वहाँ ऊपर एक बात आई है कि शुद्ध ज्ञान अथवा अभेद से शुद्ध ज्ञान परिणत जीव वो स्वयं शुद्ध उपादान रूप से न करता है और न भेदता है, स्वयं शुद्ध उपादान रूप से। स्वयं शुद्ध उपादान रूप माने क्या, कि वो शुद्ध ज्ञान परिणत जीव हो गया, वो शुद्ध ज्ञान परिणत जीव हो गया तो वो द्रव्य के साथ अभेद होके शुद्ध ज्ञान परिणत जीव शुद्ध उपादान रूप हो गया, तो वो शुद्ध उपादान रूप जो हो गया जीव वो त्रिकाली द्रव्य के साथ अभेद होके उसकी परिणति बन गई, तो वो द्रव्य पर्याय की परिणामी द्रव्य में अभेदता हो गई। तो अभेदता हो गई जो शुद्ध ज्ञान परिणत जीव की, वो जीव भी कोई परिणाम का कर्ता भोक्ता नहीं है, वो बताया वहाँ कि वो त्रिकाली द्रव्य जैसे शुद्ध ज्ञान कर्ता भोक्ता नहीं है कोई परिणाम का, वैसे ही जो त्रिकाली द्रव्य को अनुभव करने वाला जिसकी दृष्टि द्रव्य पर लग गई और वो शुद्ध उपादान रूप हो गया, उपादान भूत माने वो था, वो त्रिकाली द्रव्य था, रूप हो गया तो वो पर्याय परिणम गई, वो रूप बोला जाता है, भूत माने कि वो था और ये हुआ नया, तो उपादान रूप हुआ तो शुद्ध ज्ञान परिणत रूप हुआ, तो वो परिणत रूप होके वो पर्याय अभेदों के द्रव्य के साथ परिणम गई, वो परिणामी द्रव्य शुद्ध ज्ञान परिणत जीव भी कोई परिणाम का कर्ता भोक्ता नहीं है, वो वहां बताया। एक बात ये बराबर है। अभी यहां शुद्ध उपादान कारणभूत बताया, कारणभूत बताया, शुद्ध उपादान कारणभूत जो ये गाथा ये यहां आया ना, शुद्ध उपादान कारणभूत, ये यहां शुद्ध उपादान कारणभूत होने से मोक्ष का मोक्ष कारण मोक्ष के कारण रूप है, तो शुद्ध उपादान कारण भूत का मतलब क्या है कि वो शुद्ध उपादान कारण भूत में वो त्रिकाली द्रव्य के साथ में जैसे वो शुद्ध ज्ञान शुद्ध उपादान रूप हुआ था ऐसे ही ये शुद्ध परिणति शुद्ध उपादान कारण भूत हो गई है। वहां तो कर्ता भोक्ता नहीं है, वो सिद्ध करना है, वहां शुद्ध उपादान रूप में
कर्ता भोक्ता नहीं है, वो सिद्ध करना है। और यहाँ वो कारण नहीं बनता है, माने कि शुद्ध उपादान भूत हुआ, शुद्ध उपादान कारण भूत हुआ, तो वहाँ यहाँ कारण भूत होने से, माने कि कारण भूत होने से उसमें कारण है तो वहाँ कार्य आता है, ऐसा बताना है। वहाँ अकर्ता सिद्ध करना है, यहाँ कारणपना सिद्ध करना है, इसलिए वहाँ रूप बताया है, यहाँ भूत बता के शुद्ध उपादान भूत कारण भूत। देखो गुरुदेव ने उसका खुलासा किया है, मैं मेरे पास है तो आपको बता देता हूँ इसमें क्या भाव है। गुरुदेव ने बहुत अच्छी तरह से उसको लिया है, थोड़ा अपने को समझ में आ जाए तो उसको पढ़ के मैं आपको बता देता हूँ, तो थोड़ा ख्याल आ जाएगा आपको भी। ये क्या है, ये शब्द तो जो भी है, मगर वहाँ अकर्ता बताना है, कर्ता नहीं है वो बताना है। यहाँ सचमुच में वो कारण नहीं है, परिणाम परिणाम का कारण है, मगर उपचार से उसको भी कारण कहने में आता है, क्योंकि शुद्ध उपादान कारण भूत लिखा है यहाँ। इसका मतलब ये है कि वो कारण बताना है, वहाँ अकर्ता बताना है, कार्य का कर्ता नहीं है वो बताना है। ये दो ही चर्चा है इसमें, इसमें कोई वो ज़्यादा नहीं है, मगर देखो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ गुरुदेव का प्रवचन है, उसमें आया है कारण शुद्ध उपादान कारणभूत होने से मोक्ष का कारण होने के कारण है। यहाँ वापस भूत आया, ये ध्येय पूर्वक ज्ञेय में 8 नंबर का प्रवचन है। 8 नंबर का प्रवचन में एकदम आखिरी पैराग्राफ में है, हिंदी ध्येय पूर्वक ज्ञेय में 148 पेज नंबर पे है। मैं सुनाता हूँ, पढ़ के ही सुना देता हूँ। शुद्ध उपादान कारणभूत होने से मोक्ष कारण, मोक्ष के कारण है। भाई यहाँ वापस भूत आया, पर्याय आई है पर्याय, परंतु यहाँ वापस कारण भूत लिया। उस पहले अंतर था, पहले आया था ना, पहले शुद्ध उपादान भूत, वो पहले साधारण आया था, पहले शुद्ध उपादान रूप आया था। पैराग्राफ की 5वीं लाइन शुद्ध उपादान रूप वह पर्याय थी, समझ में आया। और पश्चात शुद्ध उपादान भूत आया, दूसरे पैराग्राफ की 1वीं लाइन, वो सर्व विशुद्ध पारिणामिक परम भाव लक्षण शुद्ध उपादान भूत यह द्रव्य है, वो बताना था। पहले उपादान जो 5वीं लाइन में आया, जो अपन ने अभी देखा कि सर्व विशुद्ध पारिणामिक शुद्ध उपादान भूत, वो त्रिकाली द्रव्य का विशेषण है। ऊपर शुद्ध ज्ञान परिणत जीव की चर्चा आई, उसमें शुद्ध उपादान रूप लिया, वो पर्याय परिणत जीव हो गया, उसकी चर्चा है। अभी इसकी चर्चा लेते हैं। वो पहले उपादान जो 5वीं लाइन में आया था वह पर्याय है, और यह सर्व विशुद्ध का जो है वह द्रव्य है, और यहाँ जो शुद्ध उपादान भूत कहा तथापि वह पर्याय है, समझ में आया। शुद्ध उपादान कारण भूत ऐसा लिया ना, शुद्ध उपादान भूत ऐसा न लिया। ऐसी अस्थि सिद्ध करना है कि मोक्ष का कारण है कौन, कि पर्याय मोक्ष का कारण है, परंतु शुद्ध परिणामी है वो मोक्ष का कारण नहीं है, इसलिए यहाँ शुद्ध पारिणामिक भाव मोक्ष का कारण नहीं है, विशेष आएगा, ऐसा करके पूज्य गुरुदेव श्री ने इसकी ऐसी स्पष्टता की है। यहाँ कारण की चर्चा बताना है, वहाँ अकर्ता माने की कार्य की चर्चा है, दोनों में इतना फर्क है, इस तरीके से उसको समझ लेना। उसमें तो उसको जो कारण भूत बताया वो पर्याय की अपेक्षा से बता दिया। हाँ वही 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 वही, त्रिकाली द्रव्य कारण नहीं बनता, यहाँ त्रिकाली द्रव्य को अकारण बताना है, अकारण परमात्मा बताना है। समझ में आया, आ जाए ठीक है। क्वेश्चन तो મને પેટ્રન હતા પણ એનો સમય થોડો થઈ ગયો છે એટલે ખાલી એક જ પૂછું છું કે પ્રકાશ ભાઈના લેક્ચરમાં એવું આવ્યું હતું કે જે પર્યાય ઉત્પન્ન થાય છે એ કાં તો સ્વ તરફ કાં તો પર તરફ ચૂકતી જ ઉત્પન્ન થાય છે, તો એમાં તારે કંઈ કરવાનું છે જ નહીં, તો એ કઈ રીતે, એટલે એ ઉત્પન્ન થાય પછી એ ચૂકે, ચૂકતી જ ઉત્પન્ન થાય, મતલબ ઉસપે એસા હૈ कि पर्याय की बहुत सी अपेक्षा होती है। कौन सी अपेक्षा से कौन सी चीज़ सिद्ध करनी है वो जो वक्ता सिद्ध करता है उनको मालूम होता है। गुरुदेव के प्रवचन में पर्याय स्वमुख से और परमुख से उत्पन्न होती है ऐसा भी आता है। गुरुदेव के प्रवचन में तू पर्याय में पुरुषार्थ कर तो तेरी पर्याय बदल जाएगी ऐसी भी चर्चा आती है। पूज्य गुरुदेव श्री में ऐसा भी आता है कि ज्ञान प्रकट होता है और ज्ञान का उपयोग परसन्मुख है उसको स्वसन्मुख तू ले ले, ऐसी बहुत सी चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचनों में बहुत जगह पे अलग अलग
टाइप की चर्चा है पूज्य गुरुदेव श्री के श्रीमुख से आती है। अभी यहाँ उसको पर्याय में कुछ करना नहीं है और पर्याय को कुछ वो उत्पन्न होने वाली है, वो अपनी योग्यता से ही उत्पन्न होती है। वो पर्याय का सत्पणा सिद्ध करना है। पर्याय का सत्पणा से देखें तो पर्याय का सत्पणा में तो जो पर्याय होने वाली है वही होगी, वो होने वाली है वो होगी। जिसको बैठ जाता है उसको तो नियम से अकर्ता स्वभाव पर दृष्टि होती है, अगर होने वाली होती है ऐसा नहीं बैठता है तो अकर्ता स्वभाव पर दृष्टि नहीं जाती है। तो उसको सोचना चाहिए कि मुझे ये क्यों नहीं बैठता है। अगर जब उसको वो बैठ गया तो उसकी त्रिकाली द्रव्य पे ही दृष्टि जाएगी, पर्याय पर से दृष्टि उठ जाएगी। मगर पर्याय पर से दृष्टि नहीं उठती है तो पर्याय में पर्याय की समझ जो है उसमें कुछ न कुछ कुछ न कुछ कचास है। तो इसलिए पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन में जो जी जो जो चर्चाएं आती है उसको अपन सर्वांगी रूप से सुने। ये सब न्याय अपने को तब अंदर में बैठते हैं। बाकी कोई अपेक्षा से कोई भी बात कही जाती है, दूसरी अपेक्षा से दूसरी भी बात कही जाती है, तीसरी अपेक्षा से तीसरी भी बात आती है, मगर अपने को उसका क्या करना पड़ता है, वो उसको सर्वांगी समझना पड़ता है। कोई एक बात ही लेके अपन बैठ जाए तो फिर अपने को क्या है कि समझ में कमी हो जाती है। समझ में कमी होने के कारण क्या होता है कि अभी लालचंद भाई का प्रवचन में आया था, आप लोगों ने सुना होगा, एक इंद्रिय ज्ञान की बात चल रही थी। तो वो इंद्रिय ज्ञान की बात चल रही थी, उसमें कहा उसने कि एक इंद्री एक ज्ञान का उपयोग एक इंद्री को विषय करता है। तो अभी वो चक्षु से देख रहा है, एक उपयोग चक्षु से देख रहा है। अभी कर्ण इंद्री का काम नहीं चल रहा है, ये इंद्री का नहीं चल रहा है, ये इंद्री का नहीं चल रहा है, ये इंद्री का नहीं चल रहा है। तो उसमें क्या होता है कि जानने की इच्छा नई नई खड़ी होती रहती है। अभी अतीन्द्रिय ज्ञान से जब तक अपने आत्मा को पूर्णपणे नहीं जानता तब तक जानने की इच्छा पूरी नहीं होती है, इसलिए उसको विषय का प्रतिबंध हो जाता है। विषय का प्रतिबंध, उसका नाम प्रतिकूलता है। तो समझ पूरी होनी चाहिए, समझ जिसको पूरी होनी चाहिए या तो समझ उसको व्यवस्थित करनी चाहिए कि इसमें कहने का तात्पर्य क्या है। और प्रकाश भाई ने पूछा है तो कल आप प्रकाश भाई को ही पूछ लेना प्रश्न, उसकी कौन सी अपेक्षा है वो मुझे मालूम नहीं, क्योंकि वो बहुत अपेक्षा से बातें आती है। क्योंकि मैंने तो कल पूरा स्पष्टीकरण रात को जो कर दिया था कि ज्ञान का उपयोग कैसे होता है, ज्ञान का उपयोग में क्या होता है, वो ज्ञान का उपयोग कैसे निरपेक्ष रहता है, वो ज्ञान का उपयोग में नायक भाव प्रतिष्ठित है, ऐसा जब तक जानना जीव को नहीं होता तब तक उसको सम्यक्ता की पर्याय नहीं आती। अभी सम्यक्ता की पर्याय हो कि मिथ्यात्व की पर्याय हो, द्रव्य तो जैसा न जैसा है, ऐसा द्रव्य के प्रति अगर लक्ष्य चला जाता है तो पर्याय का उत्पाद भी तो होता ही रहेगा, उस पर पर्याय को देखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये सब क्या है, इस तरीके से अपने को थोड़ा समझ में लेना चाहिए। ये तत्वज्ञान बहुत विशाल है और बहुत सूक्ष्म भी है, बहुत गंभीर भी है, अपेक्षाएं भी अनेक आती है, कितनी कितनी अपेक्षाओं से भरा हुआ पूरा भंडार है। सब अपेक्षाओं का निराकरण पूज्य गुरुदेव श्री करते रहते हैं। इसलिए देखो ऐसा हो जाए कि भाई पर्याय तो पर सन्मुख होती है तो भले होती ही रहे, तो ऐसा नहीं होता है। उसका मतलब है कि उसको समझ में कुछ कमी है, तो समझ का पुरुषार्थ चलना चाहिए। बात तो यह है कि द्रव्य को समझ के ही सब होता है, मगर पर्याय की समझ भी यथार्थ होवे ना तो पर्याय की दृष्टि नहीं होती बार बार। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। पर्याय की समझ भी यथार्थ जिसको हो जाती है उसको पर्याय दृष्टि नहीं होती, वो द्रव्य दृष्टि हो जाती है उसको। इसलिए द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु जो अपनी समझ में पूरी आनी चाहिए उसकी समझ सही होनी चाहिए। कोई पर्याय को फिराने का पुरुषार्थ नहीं करना है, पर्याय की समझ करना है अपने को, द्रव्य की अपने को समझ करना है। तो ऐसा स्वरूप है, इस तरीके से विचार करना। थैंक यू, लास्ट सेंटेंस तो सरस समझायो, पर्याय की समझ यथार्थ होती है तो उसकी दृष्टि बार-बार पर्याय की तरफ नहीं जाती। हां कमेंट क्वेश्चन पूछी सर, चेतन भाई
कोई भी परिणाम होता है वो परिणाम को अगर राग है, राग राग औदयिक भाव में जाता है तो राग भी किसी की अपेक्षा से नहीं होता। राग के षटकारक राग की उत्पन्न होती हुई पर्याय में होता है, ना तो कोई कर्म का उदय से होता है, क्योंकि कर्म की सत्ता राग अपने परिणाम में होता है उससे भिन्न सत्ता है, ना तो उसको द्रव्य करता है, ना तो द्रव्य से होता है, क्योंकि द्रव्य में राग होने का कोई गुण नहीं है। इसलिए कोई भी औदयिक भाव भी हो वो स्वतंत्रता से देखो तो उसको पारिणामिक भाव कहा जाता है, है औदयिक भाव मगर उसका सत्पना से निरपेक्ष देखो तो पारिणामिक भाव कहा जाता है। धवला पुस्तक में वहाँ आचार्य भगवान ने लिखा है ये कि राग पारिणामिक भाव है, ऐसा धवला में आया है, कुछ गुरुदेव श्री दृष्टांत देते हैं उसका। इसलिए पारिणामिक भाव माने निरपेक्ष, कोई भी पर्याय को आप सापेक्ष न देखो और निरपेक्ष देखो तो पर्याय का देखना बंद हो जाता है और द्रव्य का देखना चालू हो जाता है। वो प्रकरण 13वीं गाथा में भी आया है कि होने योग होता है, होने योग होता है तो के विकारी परिणाम, तो के होने योग होता है, तो के समर का परिणाम, तो के होने योग होता है, तो के होने योग होता है माने तो के निरपेक्ष है वो, उसका कोई कर्ता नहीं है। ऐसे पुनपाप आश्रव बंध के परिणाम औदयिक भाव कहे जाते हैं, वो भी सचमुच निरपेक्ष है। समर निजरा मोक्ष के परिणाम वो शुद्ध परिणाम कहे जाते हैं, वो भी निरपेक्ष है। समर निजरा शुद्धात्मा के लक्ष्य से हुआ या तो पुनपाप आश्रव बंध पर के लक्ष्य से हुआ ऐसा सोचना वो सापेक्ष कथन है। पुनपाप आश्रव बंध को निरपेक्ष जो सोचता है उसकी दृष्टि अकर्ता स्वभाव पर जाती है, और संवर निजरा मोक्ष को जो सापेक्ष सोचता है उसको संवर निजरा मोक्ष प्रकट नहीं होता है। इसलिए निरपेक्ष दृष्टि वो सम्यक दृष्टि, सापेक्ष दृष्टि वो मिथ्या दृष्टि। इसलिए उसको कहा जाता है कि कोई भी परिणाम को तू सत्य देख, निरपेक्ष देख, अपने षटकारक से होता है देख तो तेरी दृष्टि त्रिकाली द्रव्य पर चली जाएगी। इसलिए राग को भी आप निरपेक्ष देखो तो राग चारित्र मोह का उदय आया इसलिए हुआ है ऐसा विचार ही नहीं आएगा, इसलिए वहाँ पर की दृष्टि छूट जाएगी और ये होने योग होता है तो त्रिकाली द्रव्य के ऊपर दृष्टि चली जाएगी, ऐसा इसमें आप समझ लेना उसमें। एकदम एकदम, कोई भी परिणाम माने ये परिणाम की बात है, कोई भी पदार्थ, कोई भी पदार्थ जगत का आप ले लो, कोई भी जड़ पदार्थ ले लो। गुरुदेव तो परमाणु का दृष्टांत भी बोध देते हैं कि दो परमाणु के साथ दो परमाणु हो जाए तो चार मिल जाए तो उसकी परिणति फिर जाती है उसमें, तो वो क्या है? बोलते हैं एक उंगली में ये एक ये वेढ़ा है उसमें परमाणु जितने हैं, उसमें एक परमाणु है वो दूसरे परमाणु से स्पर्श नहीं कर सकता क्योंकि वो निरपेक्ष है, और एक हड़दल और क्या बोलता है हड़दल और फटकड़ी वो दोनों एक साथ में हो जाए तो लाल कलर हो जाता है, और पीला और सफ़ेद मिलने से लाल कलर होता है तो क्या बिल्कुल नहीं है, वो पीला का स्वतंत्र रूप से पीलापना का अभाव होके लाल रंग हो जाता है, सफ़ेदाई का अभाव होके लाल रंग हो जाता है, तो फटकड़ी और पीला हल्दर हल्दी उसको मिक्स कर दो तो लाल रंग बन जा है, तो उसकी मिक्सता से लाल रंग नहीं बना, उसकी हल्दल माने कि पीली पर्याय का व्यय और लाल पर्याय का उत्पाद, सफ़ेद की भी सफ़ेद पर्याय का व्यय और लाल पर्याय का उत्पाद वो स्वतंत्र होता है, तो वहाँ भी वो दोनों परमाणु मिल गए तो भी दोनों परमाणु स्वतंत्र स्वतंत्र लाल रूप रंग रूप परिणाम है, कोई किसी की अपेक्षा किसी को नहीं लगती है। इसलिए निरपेक्ष देखो तो एकदम सत्य है सब, उस पर कोई सापेक्षता लागू नहीं पड़ती ऐसा। अहो उपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दी
સૂર્યનો જીન કુંદ ધ્વનિ આપ્યા અહો આ ગુરુ કાનનો જીન કુંદ ધ્વનિ આપ્યા અહો આ ગુરુ રાજનો જાવાણી કે જ્ઞાન સે સૂજે લો કાલો સોવાણી મસ્તક નમું સદા દ્વેત મૂઢો. નવ વાર નમસ્કાર મિત્ર. બોલો મહાવીર ક્ષેત્રે બિરાજમાન સાક્ષાત દિવ્ય ધ્વનિ દાતા શ્રી સિમંદર ભગવાનનો જય હો. કડીકાળ સર્વજ્ઞ એવા શ્રી કુંદકુંદ આચાર્ય દેવનો જય હો. હાલતા ચાલતા સિદ્ધ એવા શ્રી અમૃતચંદ્ર આચાર્ય દેવનો જય હો. મંગલમય જીનવાણી માતનો જય હો. પરમ કૃપાળુ અનંત 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 ઉપકારી શ્રી સદગુરુ દેવનો જય હો. નિજ સુદાત્મ દેવનો જય હો.